हाय दोस्तों, वेलकम टू क्रैक कॉम्पिटिटिव। मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ हाईवे इंजीनियरिंग का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2008 में एसएससी जेई और वेरियस पीएसयूस में आया हुआ है। ये है वीडियो का भाग वन। इसके बाद मैं भाग दो भी लेके आऊँगा, उसमें रहेगा 2008 में आया हुआ आईएएस एंड गेट का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस बार एसएससी जेई 2017 में आ सकता है। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करूंगा, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइननेस मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू। पूछा गया है कि एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस किसके साथ समानुपातिक है। पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि ये फाइनेंस मॉड्यूलस आखिर में है क्या। फाइनेंस मॉड्यूलस इट इज़ ए इंडेक्स नंबर, एंड दिस इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल साइज। ओके, बहुत ही आसान सा एक टेस्ट है ये फाइनेंस मॉड्यूलस निकालने के लिए, वो है सीव एनालिसिस। कुछ स्टैंडर्ड सीव लिया जाता है और एक सैंपल एग्रीगेट लिया जाता है, उसका सीविंग करना पड़ता है वो सब स्टैंडर्ड सीव से। जो रिटेन में रहता है सीव, उसका कुमुलेटिव परसेंटेज निकालना पड़ता है, फिर जाके ऑल कुमुलेटिव परसेंटेज को ऐड करना पड़ता है, ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड करना पड़ता है, और जो निकलता है वही होता है फाइननेस मॉड्यूलस। अभी मान लो कि उसका आंसर आया 7.12, ठीक है। तो इससे भी और एक क्वेश्चन बन सकता है यह कि फाइनेंस मॉड्यूलस 7.12 मीन्स व्हाट। ओके, 7.12 मीन्स क्या होता है, जो पार्टिकल लिया गया है फाइनेंस मॉड्यूलस निकालने के लिए, उसका एवरेज साइज बिलोंग करता है बिटवीन 7th to 8th नंबर ऑफ सीव। ओके, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि फाइननेस मॉड्यूलस वेरीज फ्रॉम फॉर फाइन एग्रीगेट, मीडियम एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। एसएससी जेई का कुछ यार में ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है कि फाइननेस मॉड्यूलस 2.5 मीन्स व्हिच टाइप ऑफ एग्रीगेट। देखिए, मैं यहाँ पर सब दे चुका हूँ कि फाइन एग्रीगेट का 2.2 to 2.6 है, मीडियम एग्रीगेट का 2.7 to 2.9 है, एंड कोर्स एग्रीगेट का 2.9 to 3.2 है। तो यह से ही आप लोग सब नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी व्हेन। देखिए, एसएससी जेई एग्रीगेट के बारे में बहुत क्वेश्चन करता है, जैसे कि एग्रीगेट कैसा मटेरियल है। इसका आंसर होगा एग्रीगेट इज द इनर्ट मटेरियल, क्योंकि ना एग्रीगेट कोई केमिकल रिएक्शन में नहीं जाता है। और भी एग्रीगेट के बारे में और भी बहुत क्वेश्चन है, जैसे कि एग्रीगेट का टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट हो, उसका हार्डनेस टेस्ट हो, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट हो, साउंडनेस हो, वाटर एब्जॉर्प्शन हो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्रीगेट से, ठीक है। और भी जैसे कि एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन, जैसे मान लो इलोंगेटेड एग्रीगेट, फ्लेकी एग्रीगेट, सर्कुलर एग्रीगेट, और भी साइक्लोपियन एग्रीगेट, ये सबका बहुत स्पेसिफिकेशन भी आ जाता है। जैसे इलोंगेटेड एग्रीगेट का क्या होता है, द एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स ग्रेटर डायमेंशन इज ग्रेटर देन 1.8 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। साइक्लोपियन एग्रीगेट किसको कहा जाता है, जिसका साइज 75 mm से ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लेकी व्हेन। फ्लेकी एग्रीगेट किसको कहा जाता है, फ्लेकी एग्रीगेट इज शॉर्टर डायमेंशन और लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन और इक्वल टू 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन। मतलब क्या है ना, इसका लीस्ट डायमेंशन, मतलब जो छोटा डायमेंशन है वो लेस देन है 3/5 ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, मतलब 0.6 टाइम ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉस एंजलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। इस क्वेश्चन में है कि लॉस एंजलिस मशीन से हम क्या टेस्ट करते हैं एग्रीगेट का, ठीक है। तो लॉस एंजलिस मशीन से हम लोग एब्रेशन टेस्ट करते हैं।
Los Angeles matching is mainly used to measure the hardness value of aggregate by abrasion test. Higher hardness value means abrasion value is less, lower hardness value means abrasion value is high, and IRC recommended minimum hardness value have to be greater than 30%. Okay, iske siva bhi aggregate test ke upar aur bhi question aata hai, main pehle bhi bola, जैसे कि इम्पैक्ट टेस्ट से हम लोग क्या निकलते हैं, वो है टफनेस ऑफ द एग्रीगेट। इसके सिवा क्रशिंग टेस्ट करके क्या निकलता है, स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो साउंडनेस टेस्ट क्यों करते हैं, फॉर द वेदरिंग इफेक्ट, मतलब रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। इसके सिवा जैसे कि वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट सुइटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, इसका आंसर होगा 0.6%। सो ऐसे ही बहुत क्वेश्चन आता है, जितना क्वेश्चन मेरा याद आता है मैं सभी डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका आंसर होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए बिटुमिन से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सके मैं यहाँ पर सभी नोट डाउन कर दिया है। फर्स्ट है, बिटुमिन इज ए पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट और डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड। बिटुमिन ब्लैक इन कलर, कम्प्लीटली सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है बहुत एग्जाम में। इसके साथ और एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि टार किस में सॉल्युबल है, वो है टोलुइन, ये भी बहुत बार आया है। नेक्स्ट है, बिटुमिन ग्रेड इज स्पेसिफाइड बाय इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू। तो बिटुमिन का ग्रेड हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं ना, पेनिट्रेशन टेस्ट करके। इसके साथ आप टार को भी कंप्लीट करके चलिए कि टार, कार्डबैक, इस सभी का ग्रेड कैसे हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं ना, विस्कोसिटी टेस्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसका ग्रेड हम लोग कैसे दिखाते हैं ना, 30, 40, 80 बाय 100, ऐसे इसका ग्रेड लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी ने आपको पूछा कि 30-40 बिटुमिन मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी आता है एक्चुअली बहुत बार। 30-40 बिटुमिन मीन्स व्हाट, इसका पेनिट्रेशन इज बिटवीन 3 mm to 4 mm। बिटुमिन से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, जैसे कि कोई आपको पूछा कि बहुत हॉट क्लाइमेट है वहाँ पर तुम कौन सा बिटुमिन यूज़ करना चाहते हो। दो बिटुमिन आपको दे दिया गया है, मान लो 30-40 और 80 बाय 100, तो कौन सा बिटुमिन तो यूज़ करोगे। देखो जहाँ पर बहुत हॉट क्लाइमेट है वहाँ पर तो हम 80 बाय 100 बिटुमिन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन वैल्यू वैसे भी ज़्यादा है और यहाँ पर क्लाइमेट भी हॉट है, तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, 30 बाय 40। और जहाँ पर क्लाइमेट बहुत ठंडा है वहाँ पर हम लोग आराम से 80 बाय 100 यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। The terrain may be classified as rolling terrain if the cross slope of land is, पूछा गया है terrain का classify अगर rolling में हो तो उसका cross slope कितना होगा। Actually as per highway design terrain को चार भाग में classify किया जाता है, plain, rolling, mountainous and hilly। हर एक का क्रॉस स्लोप भी अलग है, जैसे कि प्लेन का है less than 10%, रोलिंग का है 10 to 25%, माउंटेनियस का है 25 to 60%, एंड ग्रेटर 60% इज हिली। सो हमारा आंसर होगा बिटवीन 10% to 25%। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेयर टू लेवल सरफेस ऑन असेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू, पूछा गया है असेंडिंग ग्रेडियंट में SSD जो होता है वो लेवल सरफेस के कंपेयर में क्या होता है, मतलब ज़्यादा ना कम होता है। ऑन डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज मोर, बट इन केस ऑफ असेंडिंग ग्रेडियंट द SSD इज लेस, बट इन केस ऑफ OSD दिस केस इज टोटली ऑपोजिट। मीन्स वॉट, ऑन डिसेंडिंग ग्रेडियंट द
द ओ एस डी इज लेस बट इन केस ऑफ एसेंडिंग ग्रेडियंट द ओ एस डी इज मोर. एस एस डी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से बहुत सारे इजी न्यूमेरिकल भी आते हैं. इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है. क्या है? एस एस डी इक्वल्स टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस. लैग डिस्टेंस क्या है? द वी इंटू रिएक्शन टाइम. फॉर एस एस डी रिएक्शन टाइम इज 2.5 सेकेंड एंड ओ एस डी का रिएक्शन टाइम इज 2 सेकेंड. एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2gf. या फिर एफ है लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन जो कि है 0.35 से 0.40. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ऑन रोड कर्व इज गिवन बाय. इस क्वेश्चन में पूछा गया है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला. तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि वाइडनिंग क्या है और क्यों दिया जाता है. एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई हॉरिजॉन्टल कर्व में कर्व का रेडियस थोड़ा कम हो तो जो व्हीकल टर्निंग लेता है उसका थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है. इसी कारण वाइडनिंग दिया जाता है. अभी पूछो कि प्रॉब्लम क्यों आता है. एक्चुअली क्या है, कोई भी व्हीकल का व्हील बेस तो रिजिड होता है, ओनली फ्रंट व्हील कैन बी टर्न्ड. ओके तो हॉरिजॉन्टल कर्व में जब कभी कोई कार टर्न लेता है उसका फ्रंट व्हील के सेम पाथ में तो उसका रियर व्हील नहीं चलता है, उसका थोड़ा ज़्यादा प्लेस चाहिए. तो इसी कारण हम लोगों को वाइडनिंग करना पड़ता है और इस फेनोमिना को कहा जाता है ऑफ ट्रैकिंग. ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है कि ऑफ ट्रैकिंग क्या है और ऑफ ट्रैकिंग किसके ऊपर डिपेंडेबल है. तो इसका आंसर होगा लेंथ ऑफ द व्हील बेस, एंगल ऑफ द टर्निंग, रेडियस ऑफ द कर्वेचर. ठीक है. और यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर कोई पेवमेंट का हॉरिजॉन्टल जो कर्व है वो अगर 300 मीटर से ज़्यादा हो तो हम लोगों को एक्स्ट्रा वाइडनिंग देने का कोई ज़रूरत नहीं है. और एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैकेनिकल वाइडनिंग एंड साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. दोनों का अलग अलग फार्मूला है, दोनों को ऐड करके हम लोगों का पूरा वाइडनिंग निकलना पड़ता है. मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर बाई 2R. अगर नंबर ऑफ लेन एक से ज़्यादा हो तो नंबर ऑफ लेन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं एन एल स्क्वायर बाई 2R. और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला क्या होता है ना, 0.1 V बाई रूट ओवर R. और यहाँ पर और एक क्वेश्चन बनता है, अगर रेडियस 50 मीटर से भी कम हो तो वाइडनिंग किस तरफ दिया जाता है. इसका आंसर होगा इनर साइड पे दिया जाता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट PCU फॉर ए पैसेंजर कार एज पर IRC इज. इसमें पूछा गया है कार का पैसेंजर कार यूनिट क्या है एज पर IRC. तो पहले जान लेते हैं कि ये PCU आखिर में है क्या. इट इज़ ए व्हीकल यूनिट जो कि हम लोग यूज करते हैं हाईवे कैपेसिटी का एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे कि कोई वन कार को हम लोग कंसीडर करते हैं एज पर दिस यूनिट इज ए सिंगल यूनिट, मतलब वन PCU. कोई साइकिल और मोटरसाइकिल को कंसीडर करते हैं हाफ यूनिट, मतलब 0.5 PCU. और बस जैसा और ट्रक को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये बस ट्रक ये सब व्हीकल थोड़ा बड़ा है तो इसको कंसीडर कर लेते हैं 3 कार के समान. ओके जैसे कि 3 कार मतलब क्या होगा, 3 पैसेंजर कार यूनिट. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 पैसेंजर कार यूनिट. रैपिड क्यूरिंग कार्डबैक बिटुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाई ब्लेंडिंग बिटुमिन विथ व्हाट. पूछा गया है कि रैपिड क्यूरिंग कार्डबैक बिटुमिन, बिटुमिन के साथ क्या मिक्स करके
प्रस्तुत किया जाता है। पहले एक बात सोचिए, अगर बहुत लो टेम्परेचर है और वहाँ पर आपको विटामिन से काम करने दिया तो आप कैसे करोगे? क्या होगा? बहुत लो टेम्परेचर होता है तो विटामिन हार्ड हो जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट विटामिन से काम नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर एक्चुअली यूज़ होता है ये कार्डबैक विटामिन। तो ये कार्डबैक विटामिन है क्या? कार्डबैक विटामिन है ये कि विटामिन के साथ एक सॉल्वेंट मिलाया जाता है। सॉल्वेंट क्यों मिलाते हैं? सॉल्वेंट मिलाने का कारण यही है कि एट एनी हाउ वी हैव टू लो इट्स विस्कोसिटी फॉर वेरियस पर्पस। ओके, तो ये सॉल्वेंट क्या क्या है? गैसोलीन हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, स्प्रीट हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। ये सब सॉल्वेंट के रूप में काम करता है और कार्डबैक विटामिन प्रोड्यूस करते हैं। कार्डबैक विटामिन आर डिवाइडेड टू क्लासिफिकेशन, रैपिड क्यूरिंग जिसे हम RCV कहते हैं एंड मीडियम क्यूरिंग जिसे हम MCV कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन सॉल्वेंट यूज। सॉल्वेंट के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। तो RC के लिए सॉल्वेंट क्या क्या है? गैसोलीन एंड पेट्रोल। MC के लिए सॉल्वेंट क्या क्या है? केरोसिन एंड डीजल। तो क्वेश्चन में क्या था? रैपिड क्यूरिंग कार्डबैक विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाई ब्लेंडिंग विटामिन विथ, क्या होगा इसका आंसर? पेट्रोल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द कार पार्किंग एरिया रिक्वायर्ड एट कार फॉर 30 डिग्री पार्किंग रिलेटिव टू 60 डिग्री पार्किंग इज अप्रॉक्सीमेटली। पूछा है अप्रॉक्सीमेटली रेशियो क्या होगा 30 डिग्री पार्किंग का विड्थ और 60 डिग्री पार्किंग का विड्थ का। तो इसका आंसर होगा 0.8। और इसका रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, जैसे कि 30 डिग्री पार्किंग का विड्थ होता है 4.9 मीटर, 60 डिग्री पार्किंग के लिए विड्थ का ज़रूरत होता है 6 मीटर, और 45 डिग्री पार्किंग के लिए विड्थ ज़रूरत होता है 2.5 मीटर। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा। मैं कुछ ही दिनों में भाग 2 भी लेके आऊँगा, सो प्लीज़ लाइक शेयर आवर चैनल एंड सब्सक्राइब बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।